कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। बेटू कुछ अच्छी नहीं है। मैं चली गई थी मार्केट, तो वहाँ मैं 1 बजे गई थी और अभी बजे है 3:30, और अभी अभी मैं लौट कर आई हूँ। जो सामान बचा था, जो कल नहीं ले पाई थी, अंधेरा हो गया था, तो उसकी वजह से आज मुझे फिर जाना पड़ा और मैं भाग भाग कर हो गई परेशान। कुछ नहीं चलेगा, नेट खत्म हो इनकी गया ये बाहर होते हैं ना, तो मुझे इतना आराम हो जाता है। मतलब बाहर का काम चलेगा, जो होता है कुछ वो नहीं ये सब चलेगा। कर लेते हैं और घर का मैं देख लेती हूँ। तो अभी ये जब नहीं होते और साथ कोई में फेस्टिवल पड़ जाता है ना, तो मुझे बाहर का भी पूरा करना पड़ता है, घर का भी पूरा करना पड़ता है, तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। और मुझे अभी मिठाइयाँ भी बनानी है, तो आई हूँ अभी और अब लग जाऊंगी मैं मिठाई बनाने में। तू और बेटू ने मेरे सारे कपड़े फैला दिए थे, मैंने जो धोए थे सारा बेडशीट वगैरह सब धोते में डाल दिया था, तो बेटू उनको फैला दी थी, सूख गए थे, तो उठा कर ले भी आई है। और मैं पटाखे लाई हूँ कुछ मैं सोची थी कल लूंगी जाकर, लेकिन इनके पापा ने बोला कि नहीं अभी आज ही आई हूँ तो आज ही ले लो, नहीं कल फिर भागना होगा, कल और भी ज़्यादा हो जाएगा मेरे पास काम, क्योंकि सुबह से काम हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो वही पटाखे भी लेने चली गई तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, और क्योंकि पटाखों की यहाँ पे एक अलग से पूरे ही जैसे मेला नहीं सजता है वैसे यहाँ पे एक मैदान में पूरा मतलब पटाखों के स्टॉल लगे रहते हैं चारों तरफ, तो वही लेने गई थी। मुझे लेकर भी आई हूँ, दिखा दिखाती दो हूँ क्या क्या लाई हूँ। काजू की बर्फी मेरी बन गई है पर गीली देखो है। चश्मा लगा लो ना तो फिर उसमें फ्लैश आता है, मतलब उसी में दिखता रहता है मुझे। तो काजू की बर्फी बन गई है पर मुझे लगता नहीं है कि वो टाइट होगी क्योंकि मैंने क्या किया ना, शीरे में चीनी कम डाल दी है, पाउडर, मैंने पाउडर वाली चीनी रखी हुई थी तो मैंने, मुझे अंदाजा नहीं मिला, मैंने कम डाल दी, तो इस वजह से वो देखो रखी हुई है। जब क्योंकि काजू की बर्फी ना जो उसका डो तैयार होता है वो तुरंत थोड़ी देर में टाइट होने लगता है, जैसे जैसे ठंडा होता है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता जाता है, तो वैसा तो कुछ हो नहीं रहा है इसमें। देखने में तो टाइट है लेकिन दिखाती हूँ मैं ऐसे, ये ये दिख ही नहीं रही कैमरे में, बन गई है पर गीली है शायद इसलिए। ठंडा होने के बाद और ज़्यादा हो जाए। तो अब ये रखी हुई है ऐसे, मैं दो थाली बनी है इस बार, मेरे बच्चों की इतनी चांदी हो जाएगी ना फुल क्योंकि इनको काजू की बर्फी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मार्केट की सिर्फ दो मिठाई खाते हैं, दो नहीं तीन बोलूँगी, एक है काजू की बर्फी, गिर ना जाए कहीं इधर से मेहनत की सब बर्बाद हो जाए, एक है काजू की बर्फी, दूसरा मोती चूर का लड्डू तीसरी और काजू तीसरा कतली, यही है काजू कतली, और तीसरा है छेना सफेद वाला। बस मोती चूर के लड्डू कौन गए? मोती चूर के लड्डू हमें नहीं आते बनाने का, मतलब हमने ट्राई नहीं किया कभी भी, तो बहुत झंझट लगता है इसमें। और मैं कहाँ से हम ले आई ऊपर मैं से? शाम को हम 4 बजे छत में चढ़ गए थे लाइट्स लगाने के लिए झालर, लेकिन अब ऊपर वाले पोर्शन में ना अभी फिटिंग नहीं हुई है लाइट की, मतलब अंडरग्राउंड वायरिंग है उसमें वायर नहीं पड़े हुए हैं, बोर्ड नहीं लगा हुआ है कहीं स्विच वाला, तो उसको लगाने में इतनी दिक्कत हो रही थी ना, जो इधर की थी वो जल गई थी, फ्रंट की दोनों नहीं जल रही थी, तो उसमें भाई करते 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 मुझे 6:30 बज गया, हो गया अंधेरा, और मैंने सोचा था कि मार्केट से आने के बाद मैं फटाफट से सारी मिठाई बना लूँगी, तो 6:30 उसी में बज गया। फिर नीचे आई तो फिर मैंने काजू की बर्फी तो मेरी बन गई है, अब मैं जा रही हूँ बेसन की बर्फी बनाने, लड्डू नहीं बनाऊंगी, बेसन की बर्फी बना दूंगी क्योंकि लड्डू बच्चे कम खाते हैं, बेसन की बर्फी उनको ज़्यादा पसंद आती है, उसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दो ना तो उनको अच्छा लगता है खाने में वैसे भी सूखा मिल्क पाउडर बहुत खाते हैं, अभी रखा हुआ था बेटू खाकर चली गई है, मुझे भी बहुत पसंद है मिल्क पाउडर, और वो जो कॉम्प्लैन आता है ना व्हाइट कलर का, चॉकलेट वाला नहीं, चॉकलेट वाले मुझे नहीं अच्छे लगते वो, और जो वो होता है छोटे बच्चों का होता नहीं है, उनको क्या खिलाते हैं जो वो छोटे बच्चे को दूध पिलाते हैं वो गर्म पानी में जो घोल कर पिलाते हैं लोग,
तो वो वाला पाउडर और वो जो सेरेलक होता है वो मुझे बहुत पसंद है। ये चीज़ें ना मुझे बहुत पसंद, मुझे मिल जाए मैं आज भी बहुत खाती हूँ। तो मिल्क पाउडर बेटू भैया दोनों पसंद, तो बेटू अभी खा के चली गई, भैया पता नहीं है कि मिल्क पाउडर रखा हुआ है। तो मैं फटाफट से बनाना शुरू करती हूँ बेसन की बर्फी, फिर मुझे रसगुल्ले भी बनाने हैं खोए के। खोया रखा हुआ दिखाती हूँ, इतना सारा खोया मैंने घर में बनाया है दूध से, जो भैया दूध दे जाते हैं ना उसी से मैंने बनाया हुआ है। तो इसी का आधे का मैं बनाऊंगी, आधे क्या और कम का मैं बनाऊंगी रसगुल्ला, क्योंकि रसगुल्ले बच्चे एक दो खाते हैं उसके बाद खाते नहीं है, तो मुझे ही खाने पड़ेंगे, ज़्यादा बना दूंगी तो। और खा खा कर मैं वैसे भी मोटी होती जा रही हूँ, तो कम बनाऊंगी ताकि जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। और बाकी के बना दूंगी पेड़े, क्योंकि जो पेड़ा है ना वो बच्चे घर का पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं। मार्केट की मिठाई ला के ना बाजार की रख दो, फ्रिज में रखी रहेगी, वो खाते नहीं हैं, इनके पापा रहते हैं तो वो खा डालते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े मिठाई वाले हैं, उनको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मुझे ही खानी पड़ती है, फ्रिज में पड़ी होती है अगर, तो ना खाओ तो फिर फेंको। और ऐसा कोई यहाँ पे आता नहीं है लेने वाला कि मैं जिसको दे दूँ, तो इसीलिए मैं घर का ज़्यादा बनाती हूँ। और इस बार मार्केट से कुछ भी नहीं आया, मैंने सोचा था छेने ले आऊँगी लेकिन अब नहीं लाऊंगी, इतनी मिठाई बहुत है, कितनी मीठा खाएंगे, है ना। तो अब मैं बनाती हूँ, बारह बोली बनाती बनाती बना नहीं रही हूँ, तो मैंने कढ़ाई ये चढ़ गई है अभी शुरू कर रही हूँ मैं बना। बर्फ़ी बनाने जा रही थी, बेसन वगैरह निकाल लिया था लेकिन फिर मुझे, मैं भूल गई थी बिल्कुल कि आज नरक चतुर्दशी है, या नरक चौदस भी बोलते हैं। तो मैंने फिर, मुझे ध्यान आ गया तो मैंने फटाफट से दिए बनाए। इस दिन वो दिए रखे जाते हैं जहाँ जहाँ से आपके घर से कहते गंदा पानी निकलता है और दरवाजे के बाहर, तो वहीं सब मैं ये दिए जला रही थी। मतलब मैंने बनाए पहले फटाफट से, फिर उनको उनमें बाती लगा कर और सरसों का तेल भरकर दिए बना दिए। और भैया देख सकते हो, अब बस यही बदमाशी करता रहता है ये। और इसको सबसे ज़्यादा जल्दी पड़ी थी क्योंकि मैंने पटाखे 2 दिन पहले लाकर इतनी बड़ी गलती कर दी थी। इसने इतना परेशान किया मुझे पटाखों के लिए, मतलब सुबह होते ही चलो पटाखे छुटाने, चलो पटाखे जलाने, चलो पटाखे जलाने, परेशान कर दिया था इसने। वही ये लगा हुआ कह रहा है, अब आप मिठाई बनाने लग जाओगी फिर अब कब पटाखे छुटाओगी, देर हो जाएगी, खाना बनाओगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बेटुओं को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता है ये पटाखों वगैरह में, पर ये इसको बहुत होता है, लड़कों को कुछ ज़्यादा ही होता है ना, उन्हें ही छुटाने होते हैं। ये दिए मैंने जला दिए थे और मैं भैया को बोल रही थी कि रखाओ, तो उसको डर लग रहा था, कह रहा था गर्म है मैं जल जाऊँगा। तो मैं कही थी गर्म नहीं है, एक एक करके रख दो धीरे धीरे। तो लेके गया था रखने, और फिर मैं भी ले जाऊंगी और रख दूंगी। और बेटू को मैंने शायद कुछ काम बता दिया था तो वो काम कर रही थी। बेटू बहुत ज़्यादा, मतलब अब थोड़ी, मतलब उसको समझ आ गई है शायद, तो वो मेरी हेल्प कर देती है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पहले नहीं था, मतलब पहले नहीं करती थी वो, लेकिन अब जो है वो मेरी हेल्प करने लगी है, और बहुत ज़्यादा इस बार उसने बहुत हेल्प की थी। तो ये दिए मैं रखने चली गई थी, उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मैं रात को 12:30 बजे तक जग रही थी। रसगुल्ले मैं सोच रही थी आज ही बना के रख देती हूँ, लेकिन उन रसगुल्लों ने मुझे इतना परेशान किया कि मैं फिर लास्ट में चिढ़ गई, तो मैंने सब बंद बंद करके रख दिया, मैंने कहा नहीं बनाऊँगी। ये वीडियो दूसरे दिन का है, दीपावली के दिन का। मैं किचन में, मैं मिठाई पड़ी हुई थी बनाने के लिए, तो मैंने कहा मैं उधर खाना बनाना था तो मैं उधर कर लेती हूँ, और बेटू को मैं इधर बता रही थी कि तोरण कैसे बनाना है गेट में लगाने के लिए, तो मैं उसको सिखा दे रही थी कि ऐसे ऐसे करके बना लेना। तो उसी को मैंने एक बनाकर दिखा दिया था, फिर उसने बाकी जो है अपना बना दिया था, पूरा तोरण, फूल की मालाएं सब उसने बनाया था। ये ऐसे मैंने करके, आम के पत्ते थे, आम के पत्तों को मतलब जैसे प्लस नहीं होता वैसे बना करके फिर उसमें स्टेपलर कर दिया था, और जो गेंदे का फूल होता है ना उसको लेके कलावा से मैंने उसको
उसमें लगा करके सुई से लेकर के लगा कर बना दिया था और भाई बेटू को दिखा दिया था। तो बेटू ने देख के, बेटू सीख गई थी तो उसने फिर पूरा सब बना के दिया था। फिर मैंने जाकर बाद में लगा दिया था, ऐसे बन गया था। और फिर मैं इसमें इसको फूल लगा कर अभी दिखा दूँगी कि कैसे बनाना है। गेट में ना आम के पत्तों और गेंदे के फूल का ही तोरण बनाकर लगाती हूँ मैं, और वो वाला नहीं, आर्टिफिशियल नहीं बनाती हूँ मेन गेट में, क्योंकि मतलब लगा भी दूंगी ना तो बचेगा नहीं, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे घूमते रहते हैं ना, वो सब खींच खाँच के फेंक देते हैं। पिछले साल तो मैं रंगोली बनाई थी मैंने बाहर, और जब फिर हम लोग गाँव चले गए थे, ये थे छुट्टी में तो हम लोग गाँव चले गए थे, वहाँ से मैं लौट कर आई तो बच्चों ने मेरी पूरी रंगोली बिगाड़ दी थी। फिर मुझे दोबारा मैंने बनाई थी पूजा के टाइम पे, इसलिए इस बार नहीं बिगाड़ी किसी ने मैंने बनाई रंगोली। तो ये बेटू बना रही है, वैसे अभी उसको थोड़ा सा समझ में नहीं आया लगता कैसे करना है। तो वही ये देख रही है सेट करके कि कैसे बनाना है इसको। एक बना लेती है ना तो फिर पूरा आ जाता है। ये ऐसे बना लिया इसने और बना करके रख देगी। तो मैं, यही मेरा आज का वीडियो था, क्योंकि नरक चतुर्दशी के दिन मैंने कुछ ज़्यादा वीडियो क्लिप रिकॉर्ड की नहीं थी। यार इतना काम हो जाता है कि पता नहीं लोग कैसे, मतलब इतना फ़ोटो शूट कर लेते हैं, इतनी रेडी हो जाते हैं, मेकअप कर लेते हैं, पता नहीं मेरे पास में टाइम ही नहीं रहता। मेरे पास जिस दिन फेस्टिवल होता है ना, उस दिन तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि मैं रेडी भी हो जाऊँ। ऐसे ही घूमती रहती हूँ मैं यहाँ से वहाँ तक। तो पता नहीं लोग पास, या तो फिर कुछ काम नहीं होते होंगे उनके पास, तभी वो हो जाते हैं तैयार। तो ये बेटू ने बना लिया है और सीख गई थी तो इसने बना लिया है। अब मुझे थोड़ा सा काम में आराम हो जाता है, क्योंकि बेटू मदद कर देती है मेरी। बेटियाँ अच्छी इसीलिए होती हैं, मम्मी की हेल्प कर देती, बेटे तो कुछ भी नहीं करते।